गुड मॉर्निंग क्लास 5। ओके नाउ, अब हमने ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी हमने इसमें कर रखे हैं। तो द लास्ट चैप्टर वी हैव डन वाज मल्टीपल एंड फैक्टर्स, विच वाज चैप्टर 5। और आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग दी फ्रैक्शंस। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, एक सिंगल एक्सरसाइज है, तो हम इसको फटाफट से समझ के इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, फिर उसमें हम अलग अलग फ्रैक्शंस को ये सीखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन किससे बड़ा है। हम मिक्स फ्रैक्शन और नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्जन सीखेंगे, और फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे बनाना या नंबर लाइन पे डिटेक्ट करना कि वो कौन सा फ्रैक्शन है वो सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो एक एक करके अपन सारे टॉपिक्स लाइन बाय लाइन सीखते जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस होते क्या हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। सपोज करो हम पिज़्ज़ास खाते हैं ना, पिज़्ज़ा खाते हैं हम सब, पिज़्ज़ा पता है ना क्या होता है, टॉपिंग्स लगती हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। तो अगर हमारे पास 5 पिज़्ज़ास हैं, 1 2 3 4 5, तो हमको कैसे गिनते हैं, 1 पिज़्ज़ा 2 पिज़्ज़ा 3 पिज़्ज़ा 4 पिज़्ज़ा 5 पिज़्ज़ा, मतलब एक पूरा, दो पूरे पिज़्ज़ा, तीन पूरे, चार पूरे और पाँच पूरे। ठीक है, लेकिन फिर हम पिज़्ज़ास को बांटते भी हैं, वी कट इट, आधा आधा बांटते हैं या एक एक चौथाई में बांटते हैं एंड फिर हम उसको खाते हैं। तो ये होता कैसे, सपोज करो ये एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, ये एक पिज़्ज़ा है, इसको हमने हाफ कट कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गए, 2 पीस बच गए। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1/2 एंड 1/2, मतलब हमने उसके 2 पीस किए, उन 2 पीस में से 1 पीस ये रहा, 2 पीस किए, 2 में से 1 पीस ये रहा, तो ये हाफ हो गया। अगर मैं पिज़्ज़ा को 3 पीस में काट देता हूँ, इक्वल पीस में, तो ये तीन ऐसे तीन अलग अलग पीस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3, 1/3, मतलब एक पूरे पिज़्ज़ा को 3 पीस में काटा, उसमें से ये 1 पीस है, पूरे पिज़्ज़ा को 3 पीस में काटा, उसमें से ये 1 पीस है और एक ये पीस है। अगर मैं इसको 4 में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको 4 में डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया, 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4, मतलब मैंने उसके 4 पीसेस कर लिए, उसमें से 1 पीस है ये। ठीक है, अब इसके कुछ और तरीके से भी हम इसके पीसेस कर सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर ये एक पिज़्ज़ा है, मैंने उसको 5 पीस में कर दिया, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/5, मतलब 5 पीस किए उसमें से 1 पीस। और अगर मैं ये 2 पीस ले लेता हूँ, ये 2 पीस ले लेता हूँ, तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो टोटल मैंने कट किए और उसमें से 2 पीस, तो ये हो गया आपका 2/5। बचा हुआ पार्ट कितना हुआ, ये हुआ 3/5, मतलब 3 पीस, पहले 5 पीस किए उसमें से 3 पीस, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, और यही होता है फ्रैक्शंस। ठीक है, जब एक पूरी चीज को हम किसी हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शंस। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, सपोज करो एक पिज्जा था, ओके, इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से कर दिए, रोहित को मैंने दिया 1 पीस, 1 पीस रोहित के पास चला गया, और 2 पीस, ये दोनों पीस चले गए कोपल के पास। ठीक है, तो रोहित के पास कितना आया, 1 पीस आया, मतलब 4 पीस किए उसमें से 1 पीस रोहित के पास है, और 2 पीस कोपल के पास, मतलब 4 पीस किए उसमें से 2 कोपल के पास है, तो किसके पास ज्यादा पीस आया, ऑब्वियसली कोपल के पास ज्यादा पीस है, हमको यहाँ पे देख के पता चल रहा है, यहाँ पे 1 पीस है, यहाँ पे 2 पीस है। लेकिन फ्रैक्शंस में ये कैसे पता चलेगा, फ्रैक्शंस में ऐसे पता चलेगा कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला जो नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर में जो बड़ा नंबर होगा वो दोनों फ्रैक्शंस में से बड़ा होगा। अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर में जो बड़ा नंबर होगा वो बड़ा फ्रैक्शन माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो डिनोमिनेटर सेम नहीं हुए तो, अब इस ये किस केस में होता है ये देखो, मेरे पास 2 पिज़्ज़ास थे, एक पिज़्ज़ा को तो मैंने 4 हिस्सों में काट दिया, 1 2 3 4, और एक को काटा मैंने 3 हिस्सों में, 1 2 3, रोहित को मैंने ये जो 4 पीस कटे हुए थे ना उसमें से 1 पीस दे दिया रोहित को, और ये जो 3 पीस कटे हुए थे इसका 1 पीस दे दिया मैंने कोपल को, तो किसके पास बड़ा आया पीस, ऑब्वियसली कोपल के पास बड़ा आया, क्योंकि यहाँ पे तो 3 ही पीस हुए, यहाँ तो 4 पीस कर दिए मैंने उसके,
ठीक है, तो रोहित के पास छोटा है, लेकिन फ्रैक्शंस में कैसे करेंगे इसको हम? तो पहले बता करो रोहित के पास पीस कितने आए। रोहित के पास आए 4 पीस में से एक, 4 पीस में से एक पीस, ठीक है। और गोपल के पास कितने हैं? 3 पीस में से एक पीस। लेकिन आप गोपल के पास बड़ा आया, लेकिन पता कैसे करेंगे? यहाँ पे तो डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं, तो हम ये देखते हैं कि न्यूमरेटर सेम है, ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर। अगर ये दोनों सेम हैं तो नीचे वाले में से जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा। तो बेसिकली फंडामेंटल ये है इसका कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है, सपोज करो 2/4 और आया आपका 3/4, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर जो भी बड़ा नंबर होगा वो बड़ा कहलाएगा। लेकिन अगर ये उल्टा है, अगर ये उल्टा है, अगर ये मैं बोलूं कि 1/5 और 1/7 में से कौन सा बड़ा है, तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो नीचे उल्टा होगा, जो छोटा नंबर होगा ना वो बड़ा कहलाएगा। नीचे सेम है, ऊपर जो बड़ा नंबर है वो बड़ा। अगर ऊपर सेम है तो नीचे जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा। ओके, एग्जाम्पल्स करके देखते हैं इसके। ठीक है, ये सेक्शन देखो, इसमें सब में हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम सेम है। यहाँ पे 4 4 है, यहाँ पे 5 5 है, यहाँ पे 8 8 है, यहाँ पे 9 9 है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब नीचे वाला नंबर सेम होता है, तो ऊपर वाले नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा वही बड़ा होगा। 1/4, 3/4, 4 4 सेम, 3 1 से बड़ा है, ये बड़ा हो गया। 5 5, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 2 से बड़ा है, ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पे 8 और 8, ऊपर है 7 और 6, ये सेम है, ऊपर 7 और 6 में से कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, ये बड़ा हो गया। 9 और 9 दोनों सेम है, ऊपर है 2 और 5, तो 5 बड़ा है, 5 बड़ा हो गया। लेकिन यही चीज उल्टी हो जाती है जब न्यूमरेटर सेम होते हैं। यहां पे देखो सारे न्यूमरेटर सेम है, ऊपर सेम है नीचे अलग है, ऊपर सेम है नीचे अलग अलग नंबर है, ऊपर सेम है नीचे अलग अलग है, ऊपर सेम है नीचे अलग है। तो इसमें क्या होगा, अगर ऊपर सेम है तो नीचे वाले में से जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। यहां पे 5 छोटा है 7 से, तो ये बड़ा। यहाँ पे 2 2 सेम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो ये 3 छोटा है, तो मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। जब 6 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 8 छोटा है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, तो ये बड़ा हो गया। अगर न्यूमरेटर सेम है और 9 और 6 है, तो जो छोटा नंबर है वो बड़ा होगा। आई बात समझ में? ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर सेम होंगे जो बड़ा नंबर होगा न्यूमरेटर में वो बड़ा फ्रैक्शन, लेकिन अगर न्यूमरेटर में ऊपर सेम है तो नीचे वाले में से जो छोटा होगा वो बड़ा कहलाएगा। ओके, तो ये तो फंडामेंटल हो गया फ्रैक्शंस के ग्रेटर और लेस होने का। अब एक नया हम सीखते हैं कि फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस में क्या फर्क होता है। ये जितने भी अभी हमने ऊपर नंबर देखे, दिस बाय दिस, 2/5, 4/5, 2/9, 5/9, 2/3, ये सारे होते हैं फ्रैक्शंस। और मिक्स फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें एक होल और एक फ्रैक्शन होता है मिक्स। 3 1/3 का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं कि 3 1/3 पिज्जाज हैं, तो मतलब 3 तो पूरे पिज्जा हैं, 1 2 3 तो पूरे पिज्जा हैं, और लास्ट पिज्जा में से के 3 हिस्से करें उसमें से एक हिस्सा, जो लास्ट पिज्जा बचा उसके हमने 3 हिस्से करे उसमें से एक हिस्सा, तो ये तो पूरा और ये पूरा और ये 3 पूरा और लास्ट के 3 हिस्से किए उसमें से एक, तो मतलब हमारे पास कितने बचे? वह 1 2 3 और ये 1/3, ये हुआ 3 1/3। ठीक है, लेकिन ये कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। जब भी फ्रैक्शन के आगे कोई नंबर होगा ये सारे कहलाते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब इसकी एक्सरसाइज है कि फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए और मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। चलो देखते हैं। तो यहां पे मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिए हैं, अब उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही सिंपल है, आपको इसको सिंपली डिवाइड कर दो। जैसे कि 5 और 14 है, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाला नंबर अंदर जाता है, नीचे वाला नंबर बाहर आता है, ये हमें फंडामेंटल पहले ही पता है। इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 10, रिमाइंडर बचा 4। तो जो क्वोशंट है, क्वोशंट ये आता है 2।
ठीक है, ये जो रिमाइंडर है ये यहां आता है फोर, और ये जो डिविडेंड है जिससे हमने डिवाइड किया वो आता है यहां पर। तो ये होता है क्वोशेंट, ये होता है रिमाइंडर, ये तो हमें पता ही है, ये होता है डिविडेंड जिससे हमने डिवाइड किया है। तो यहां पे आएगा क्वोशेंट रिमाइंडर बाय डिविडेंड, क्वोशेंट रिमाइंडर डिविडेंड। तो यहां पे क्या था, क्वोशेंट रिमाइंडर नीचे ये वाला आर, और डिविडेंड नीचे आ गया यहां पे। ठीक है, अब इसी तरह से 9/2 को करते हैं, सिंपल 9 2 टू फोर जा 8 1। तो हमको क्या करना है, क्वोशेंट रिमाइंडर डिविडेंड। तो क्वोशेंट क्या है, फोर, रिमाइंडर ऊपर आएगा विच इज 1 एंड डिविडेंड 2। ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, 14/6 करके देखते हैं, सिंपल डिवाइड किया 14 6, 6 2 12 बचा 2। तो ये क्वोशेंट, रिमाइंडर ऊपर डिविडेंड नीचे। ठीक है, ये ऐसे होगा। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि मिक्स फ्रैक्शन में अपन को सिंपल डिवाइड करना है और हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। बस ये पोजीशन की ध्यान रखना, ये क्वोशेंट हमेशा यहां पे आएगा, रिमाइंडर ऊपर आएगा, डिविडेंड नीचे आएगा। इसमें बहुत गलतियां होती हैं, कई बार आप क्वोशेंट तो सही लिखते हो लेकिन फिर इसको 6/2 कर देते हो, ऊपर डिविडेंड आ जाता है नीचे रिमाइंडर आ जाता है, वो गलत होगा। रिमाइंडर डिविडेंड क्वोशेंट ये ऐसे ही आएगा, ये आपको याद रखना है, क्वोशेंट रिमाइंडर डिविडेंड, QRD, आर ऊपर डी नीचे, क्यू आगे, QRD। ठीक है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। क्वोशेंट रिमाइंडर डिविडेंड पता है हमें, तो हमें क्या करना है, यहां से चालू करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा इसमें उसको प्लस कर देंगे। यहां पे होगा मल्टीप्लाई, यहां पे होगा प्लस। तो यहां पे देखें, 5 2 10, 10 + 2 इज इक्वल टू 12, और ये 5 का 5 नीचे ऐसा का ऐसे आ जाएगा। ये आपका सिंपल फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि उल्टा करके वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसमें क्या करेंगे, यहां पे मल्टीप्लीकेशन, यहां पे प्लस, 3 7 21, 21 + 1 22, 22 और नीचे 3 का 3। अगर इसको मैं फिर से मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहूं तो मेरा आंसर यही आना चाहिए, करके देखते हैं, 3 3 7 21, बाकी बचा 1, क्वोशेंट रिमाइंडर डिविडेंड 7 1/3, 7 1/3। ओके, अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में करना चाहूं तो क्या करूंगा, यहां पे मल्टीप्लीकेशन, यहां पे प्लस, 3 5 15 एंड 15 + 3 इज 18। ये हो गया आपका 18/5। ये ऐसा का ऐसा डिनोमिनेटर सेम का सेम आता है यहां पे। ठीक है, तो फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन करना सिंपल डिविजन, और मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन करना आपको मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो और आंसर लिख दो। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस आपके आएंगे कि आपको फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में करना होगा और मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में करना होगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, विच इज द नंबर लाइन, कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे आप कैसे शो करोगे। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर लाइन है तो हमें पता चलना चाहिए उसमें फ्रैक्शन जो मार्क्ड है, जो कि पॉइंट मार्क्ड है, उसका फ्रैक्शन होगा क्या, सो कैसे करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें एक मिस्टेक सारे बच्चे करते हैं जो हमें नहीं करनी है, वो मैं ध्यान से आपको बताता हूं। ये आपकी नंबर लाइन है, 1 2 3 4 5 6, ये 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबर लाइन है। अब 1 और 2 के बीच का फ्रैक्शन है ये। ठीक है, ये 1 और 2 के बीच का फ्रैक्शन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग क्या हो रही है, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, तो पहले तो हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम गिनेंगे गैप्स। अब यहां पे आपको डंडियां नहीं गिननी है, जो डंडियां गिनता है ना उसकी हमेशा गड़बड़ हो जाती है, कोई इसको 1 बना देता है, कोई इसको 1 बना देता है, कोई इसको 0 समझता है, कोई इसको 0 समझता है, तो इससे गड़बड़ हो जाती है। आपको डंडियों से काउंट नहीं करना, आपको ये गैप्स काउंट करना है। ये देख रहे हो, एक गैप, ये दूसरा गैप, ये तीसरा गैप, ये जो गैप है ना, ये जो गैप है ये काउंट करना है आपको। ठीक है, तो इसमें हम काउंट करेंगे, हमको यहां पता करना है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है इस लाइन पे, ये लाइन पे मुझे फ्रैक्शन पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं काउंट करूंगा, 1 2 3 गैप्स हैं, तो मैं यहां पे लिखूंगा 3 डिवाइडेड बाय, अब मैं टोटल काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6,
नेक्स्ट डिजिट तक, टू तक कितने हैं, सिक्स हैं, तो ये होगा सिक्स। तो ये जो फ्रैक्शन है ये होगा 1/3/6। अब सिमिलरली इसका करके देखते हैं, ये ऐसे हमने लाइनें इसको डिवाइड कर रखा है, और ज़रूरी नहीं है सिक्स में डिवाइड हो, ये टेन में डिवाइड हो सकता है, ये फोर में डिवाइड हो सकता है, ये थ्री में डिवाइड हो सकता है, ये ट्वेल्व में डिवाइड हो सकता है, कितने भी डिविजन्स हो सकते हैं, हमें काउंट करके करना है। ठीक है, तो अगर थ्री और फोर के बीच में हमसे पूछा गया है किसी लाइन पे, तो पीछे कौन सा नंबर है, थ्री, आगे है फोर, तो ये वाला जो नंबर है पहला उसको हम लिखेंगे थ्री। ऊपर वो नंबर आएगा जो थ्री से हम सेक्शंस गैप्स जो हैं वो काउंट करेंगे, ये एक गैप, ये दूसरा गैप, ये तीसरा गैप, ये चौथा गैप, ये पांचवा गैप, ये छठा गैप, ये सातवां गैप, ये लिख दिया सात, सात तक हमने काउंट कर लिए थे, ये आठवां गैप, नौवां गैप, दसवां गैप, नीचे आ गया दस अगले नंबर तक। तो ये नंबर होगा जो कि पिछला नंबर है, ये जो सात नंबर है जिस पॉइंट पे आपको पूछा गया है वहां तक कितने गैप हैं, ठीक है, वहां तक कितने गैप हैं, सात, और उसके बाद टोटल नए पॉइंट तक, नेक्स्ट पॉइंट तक विच इज फोर, कितने और हैं, ये थ्री है, ये सेवन है, ये सेवन गैप्स थे, यहां से हमने यहां पे काउंट किया वो थ्री गैप्स थे, तो ये थ्री इधर आ गया, सेवन इधर आ गया, और ये टोटल जितने गैप्स होंगे वो यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, एक और करके देखते हैं, जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे कितने गैप्स कर रखे हैं, वन टू थ्री फोर ही गैप्स है, और हमसे ये वाला पूछा गया है, तो ये किसके बाद है, फाइव और सिक्स के बीच में है, तो पहले तो हम फाइव ऐसा का ऐसा लिख दो, फिर हमें काउंट करना है फाइव से गैप्स इस पॉइंट तक, जो पॉइंट तक हमें पता करना है, एक गैप, दो गैप, ये लिख दिया दो गैप, और टोटल कितने गैप्स हैं, वन टू थ्री फोर गैप्स, तो नीचे आ गया फोर, ये आपका नंबर लाइन पे डिपिक्शन हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं, अभी 15 से 16 है, तो पहला नंबर क्या है 15, तो 15 तो ऐसा का ऐसा लिख दो, अब कितने गैप्स हैं, वन टू थ्री गैप्स हैं, तो ये पॉइंट किस पे आ रहा है, वन गैप, टू गैप, तो यहाँ लिखो टू, और इसके आगे वन टू थ्री में नेक्स्ट नंबर आ जाता है, तो नीचे लिखेंगे थ्री। इसको करें तो 44 45 के बीच में, पहले तो 44 लिख दो, ठीक है, अब काउंट करना चालू करते हैं, वन गैप, टू गैप, थ्री गैप, फोर गैप, फाइव गैप, सिक्स गैप, सिक्स हो गए, अब यहाँ से 45 तक पहुँचना है, सिक्स गैप ऑलरेडी हो गए, सेवन गैप, एट गैप, नाइन गैप, टेन, इलेवन, यहाँ पे इलेवन है, ठीक है, तो ये इलेवन इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल आएंगे जिसमें नंबर लाइन पे एक मार्क दिया होगा, आपको पता करना है कि वो मार्क कौन सा फ्रैक्शन है। ओके, नाउ कमिंग टू, अब इसका उल्टा एक क्वेश्चन और आता है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको नंबर लाइन पे उसको शो करना होता है, तो वो कैसे करेंगे, वो भी इजी है, तीन ही स्टेप्स हैं इसके अंदर भी। तो पहले तो आप ये नंबर देखो, एक खाली नंबर लाइन है बिल्कुल, इस पे आपको डिपेंड करना है, तो पहला नंबर क्या है, थ्री, तो पहले तो यहाँ पे लिख लो थ्री और आगे लिख दो फोर, ठीक है, जो नंबर होगा उसके आगे वाले, जैसे यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे आप लिखो 50 और नेक्स्ट नंबर लिख दो 51, यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे आप लिख दो 17, इसके आगे वाला 18, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला नंबर है ये क्या था, यहाँ पे नीचे वाला नंबर क्या था, हमने क्या देखा था, ये जो टोटल गैप्स होते हैं वो ये वाला नंबर होता है, ये जो टोटल गैप्स होते हैं वो ये वाला नंबर होता है, जैसे यहाँ पे चार गैप्स थे तो नीचे चार था, यहाँ पे दस गैप्स थे तो ये दस था, तो यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर है उतने आपको गैप्स बनाने हैं। गैप्स कैसे बनेंगे, अब ऐसे मत करना कि छः लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे छः लाइनें खींच दी, एक दो तीन चार पाँच छः, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप छः लाइनें खींचोगे यहाँ पे छः की जगह सात गैप्स हो जाते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ सिक्स गैप्स चाहिए, सिक्स गैप्स का मतलब है हमें पांच लाइनें खींचनी पड़ेंगी, छह नहीं खींचनी है, हमें पांच लाइनें खींचनी है, इससे एक कम, पांच लाइनें ही खींचनी, तो हमारे पास कितने गैप्स हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, ये लाइन नहीं है, ये सिक्स गैप्स हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इन छह गैप्स में से चौथे गैप पे आपको लाइन खींचनी है, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, ये चार गैप और ये री लाइन, ये आपका हो गया 3/4/6। यही चीज को इस पे करके देखते हैं, 50 लिखा था उसके आगे 51 लिखा, नीचे वाला नंबर क्या है, चार गैप चाहिए तो मैं तीन लाइन खींचूंगा, एक दो तीन,
चार गैप चाहिए तो लाइन में तीन खींचूंगा, तो कितने गैप्स हो गए, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप मिल गए मुझे। उसमें से दूसरे गैप पे मुझे लाइन खींचनी है, एक गैप, दो गैप और ये रही लाइन, लाइन खींच गई 52/4। इसमें करके देखें 17 और 18 10 है तो मैं 9 लाइन खींचूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और उसमें से थर्ड गैप पे 1 2 3 तीन गैप कर लिए, ये आपका आ गया 17 3/10। ओके, इस स्टेप्स को याद रखना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आपको आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फटाफट आएगा, ये स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस पे ही आएगा। आप प्रैक्टिस करो तो ये आपको फटाफट फटाफट आपको लर्न होते जाएंगे और आप क्विकली इनको कर पाओगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हमने फ्रैक्शन सीखे, हमने ये सीखा कि बड़ा फ्रैक्शन और छोटा फ्रैक्शन कौन सा होता है। तो एक्सरसाइज 6 जो इसकी है, उसमें पहला क्वेश्चन आपका यही है कि आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। कईयों में डिनोमिनेटर सेम है, कईयों में न्यूमरेटर सेम है, तो इस हिसाब से आपको इसको करना होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फ्रैक्शंस को वर्ड्स में लिखना है। ओके, ये मैं आपको एक और बताता हूँ कि फ्रैक्शंस को वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है, आई विल शो यू। फ्रैक्शंस को अगर वर्ड्स में लिखना हो तो बहुत इजी है, जैसे कि अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है 4 1/2, या फिर आपको दिया हुआ है 2 2/3 या 6 2/4, तो आपको क्या लिखना है, 4 1/2, 4 1/2, ठीक है। और अगर सपोज करो ये है 6, तो 6 2/4, 2/4, ये 2 है तो 2 2/3, 2 2/3, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपका हो गया इस फ्रैक्शंस को वर्ड्स में लिखना। उसके बाद है आपको फ्रैक्शंस नंबर लाइन पे लिख बताना है, तो हम मैंने आपको बता दिया नंबर लाइन कैसे बनानी है और उसके बाद इसको कैसे करना है। और लास्ट वाला है कि आपको नंबर लाइन में एक पॉइंट दिया हुआ है, आपको बताना है वो कौन सा फ्रैक्शन है, तो ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो एक्सरसाइज 6 आपको सबमिट करनी है, जिस तरह से मैंने आपको पूरा एक एक बताया है, ग्रेटर लेसर फ्रैक्शंस को चेंज करना, मिक्स फ्रैक्शन में करना, नंबर लाइन पे बनाना, तो ये पूरी एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है। तो आपको एक्सरसाइज 6 करके आप मुझे सबमिट करिए, देन आई विल चेक इट। और इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही एक्सरसाइज है, तो ये इस एक्सरसाइज के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो डू द एक्सरसाइज 6 एंड सबमिटेड टू मी, मैं उसको चेक करके आपको रिवर्ट करता हूँ। ओके क्लास, थैंक यू।